अक्सर बेशतर जो शिकायत आती है बाजार से कि स्मार्ट मीटर्स जल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? जी ऐसा नहीं है कि खाली स्मार्ट मीटर्स ही जल रहे हैं। बेसिकली इससे पहले जो कन्वेंशनल मीटर्स थे वो भी जल रहे थे। वी हैव अ रिकॉर्ड इन आवर ऑफिस। इससे पहले भी हम मीटर्स हमारे कंज्यूमर्स हमारे पास आ रहे थे तो हमारे मीटर जल गए, तो उस टाइम भी मीटर जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली स्मार्ट मीटर्स ही जल रहे हैं। एंड जो इसमें मेन रीजन है मीटर जलने का, दिस इज द एक्सेस लोड। देखिए जो कंज्यूमर है वो ये हमें बता रहे हैं कि मीटर लगा हुआ है एंड ये हमारी मर्जी है कि हम कितना लोड जलाएंगे। इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन इज द एग्रीमेंटेड लोड। एक कंज्यूमर का डिपार्टमेंट के साथ कितना एग्रीमेंट है, मतलब ही इज अलाउड टू यूज ओनली दैट लोड। ही कैनॉट एक्सीड द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल किसी का लोड है, एग्रीमेंटेड लोड है 1 किलोवाट, या किसी का 2 किलोवाट है, किसी का 5 किलोवाट है। दैट मीन्स कि ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू यूज द लोड मोर देन द एग्रीमेंटेड लोड। दिस इज द मेन रीजन। और जब भी हमने इनको मतलब अपने सिस्टम में देखा है कि स्मार्ट मीटर मोस्ट ऑफ स्मार्ट मीटर जल गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लोड। और ऐसा भी कभी कभी ये भी हो सकता है कि सम टेक्निकल रीजंस लाइक कहीं कहीं पे मतलब लूज कनेक्शन है मीटर का, उसमें भी मीटर बिकॉज ऑफ दैट लूज कनेक्शंस मीटर कैचेस समटाइम्स इट कैचेस द फायर। बट दोज केसेस आर वेरी वेरी रेयर। वो हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली मार्केट में हमारे एक दो मीटर जल गए। लाइक एक था मॉडर्न स्वीट्स या कुछ एक कंज्यूमर और है जहां पे मतलब मीटर ने आग पकड़ ली। मेन रीजन इज दैट की दैट द कंज्यूमर इज मतलब यूज द हैवी लोड। और समटाइम्स ये भी आते हैं हमारे पास कुछ कंज्यूमर्स के, हमारा ज्यादा लोड है कि वी वांट टू कन्वर्ट इनटू 3 फेज। ठीक है, फिर हम उनको मीटर 3 फेज लगा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि दे हैव टू पुट लोड ओनली ऑन द 1 फेज आउट ऑफ द 3 फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बैलेंस द लोड अमंग ऑल द 3 फेजेस, देन ओनली इट इज एडवाइजेबल टू चेंज फ्रॉम सिंगल फेज टू 3 फेज। जैसे अब एक सवाल जो लोगों की तरफ से है कि इससे पहले जो वायर्स है वो नहीं जला करती थी, जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि आज जो मछली मार्केट और सब्जी मार्केट में माइनस में रौनमा हुई, तो उस सवाल से वो कहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये ठीक नहीं है, जो स्मार्ट मीटर उसके साथ ये वायरिंग लगाई गई है मटेरियल ठीक नहीं है। क्या आप भी इसको चाहेंगे कि इसको बाजाबत से चेक कराना कि ये डुप्लीकेट है या असली है, वो आप इसकी कोई इंक्वायरी करेंगे? नहीं, जरूर इसमें ये हम भी देखेंगे। और जो ये वायर्स है दिस हमारा एक और डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट्स डिवीजन, ये वो लगा रहे हैं। उनके नोट्स में भी हमने ये बात लाई है। अगर अगर कहीं पे मतलब कुछ लग रहा, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होगी। अगर मतलब इसमें कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह रहमान वो आपके सामने होगा। तो आपको भी ये लगता है कि कई सालों से अगर वायरें लगी हुई इस तरीके से आग रोनमा नहीं हुआ करती थी, जैसे कि हम मछली मार्केट की बात करें, सब्जी मार्केट की बात करें, हाल ही में वहां पे जो वायरें हैं वो जल गई, तो आपको भी लगता होगा कि ये चीजें मतलब हाल ही में हो रही है जब से स्मार्ट मीटर्स लगे? जो हाल ही में जो जैसे आपने कहा कि मछली मार्केट में, वहां पे इट वॉज जस्ट जो लोड एक्सेसिव लोड की वजह से हुआ है वो, क्योंकि वहां पे कंजेस्टेड एरिया काफी है एंड लोड इज वेरी मच कंसंट्रेटेड। सो जो केबल जल गई है वहां पे, तो जो मेरे जई साहब है इट हैज बीन ऑब्जर्वड कि वो जल गई है ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लोड। इसी साल ये वाकया हुआ ना, इससे पहले भी तो लाइन थी वहां पे? इससे पहले वहां पे कंडक्टर था, इट वाज बेयर कंडक्टर। नाउ द केबल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एज पर द एग्रीमेंटेड लोड। दिस नेटवर्क हैज बीन डिजाइंड एज पर द एग्रीमेंटेड लोड ऑफ द कंज्यूमर्स। सो जो केबल लगी है वहां पे वो डिजाइन हुई है कि जो कंज्यूमर्स का एग्रीमेंटेड लोड है। बट मैं जो आपके अभी कहा मैंने आपसे कि कंज्यूमर जो है वो बिजली यूज कर रहे हैं मतलब विदाउट सीइंग हाउ मच दे आर ऑथराइज्ड, हाउ मच इज द एग्रीमेंटेड लोड। क्या ये लोड इंस्टॉल करने से पहले जो है एनालिसिस नहीं किया गया था कि कितना होना चाहिए कंज्यूमर को लोड, कितना है, क्या उसी हिसाब से तारे इंस्टॉल नहीं की गई? इसमें एनालिसिस हुआ है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोड हैज इंक्रीज्ड। हर अगर आप भी देखेंगे कि नए नए मकान बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, जो दुकानें हैं उनमें जो मार्केट है वहां पे भी नए नए एग्रीमेंट्स हमें आ रहे हैं। आजकल तो मतलब ये पूरा ऑनलाइन है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास हर रोज मोर देन ट्वेंटी एप्लीकेशन, अराउंड 20 to 25 एप्लीकेशन हमें आते हैं फॉर न्यू एग्रीमेंट्स। ये कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा?
दिस इज द मेन रीजन की लोड 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 एनहांसमेंट. अदरवाइज दिस सिस्टम हैज बीन डिजाइंड बाई द इंजीनियर्स ओनली. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अभी कितने एरियाज ऐसे हैं जिनमें अभी मीटर्स नहीं लगाए गए हैं. अगर मैं यहाँ पे बारामूला की बात करूंगा कि बारामूला में हमने पूरा कवर किया है. आउट ऑफ 21,000 कंज्यूमर्स वी हैव इंस्टॉल्ड अराउंड मोर देन 15,000. अराउंड 16,000 स्मार्ट मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड. अब हमारे पास एक एरिया बचता है नरवाओ का एरिया. वहां पे भी तीन फीडर शीरी फतेहगढ़ और जुग्यार उसमें स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है और होपफुली विदिन 10 डेज. शीरी से ये भी शिकायत है कि जो सर्विस लाइन है वो सिर्फ जुग्यार को प्रोवाइड की जा रही है, शीरी को नहीं दी जा रही है. नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है. बेसिकली सर्विस लाइन जो है सर्विस लाइन इज वो देनी है बेसिकली वो देनी है कंज्यूमर को. जो उसमें स्मार्ट मीटर्स हैं स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं यहाँ पे वो जो लाइन आ रही है फ्रॉम मेन पोर्ट टू द मीटर मतलब जो स्मार्ट मीटर को जा रहा है इनपुट वो दे रहा है मतलब वो हम लगा रहे हैं जो स्मार्ट मीटर वाले वो लगा रहे हैं. बट जो सर्विस लाइन है जो आउटपुट है उसमें भी वो ऐसा कर रहे हैं कि 2 मीटर या 3 मीटर जो मीटर का आउटपुट है उसमें हम यहीं की सर्विस लाइन लगा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी मीटर का जो कनेक्शन है लूज हो जाए या कुछ हो जाए या एनी टाइम कंज्यूमर वांट्स टू चेंज द सर्विस लाइन ही कैन इजीली चेंज. और ऐसा नहीं है कि मतलब जुग्यार में ही है तो फतेहगढ़ में भी है जहां पे हमने दैट इंटरनल एक्सेस जहां पे कंज्यूमर को मीटर घर के साथ लगा हुआ था वहां पे लगा रहे हैं कुछ सर्विस लाइन वहां पे भी दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही दे रहे हैं. जैसे साहब अगर हम बात करें लजदौरा के लोग भी आज यहां पे आए थे प्रोटेस्ट दर्ज किया था कि उनकी बिलें ज्यादा आ रही है तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? लजदौरा एरिया वहां पे अभी मीटर्स नहीं लगे हैं ना वहां पे कन्वेंशन मीटर्स भी वहां पे नहीं है. अभी इट्स एन अनमीटर्ड फ्लैट रेट एरिया. वहां पे वी वर चार्जिंग 1.5 किलोवाट फ्लैट रेट. वो पहले था 1300 रुपीज अब वो बढ़ के 1300 से 1560 रुपए हो गया है. तो ऐसे ही और अगर हम देखें आए दिन हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं वहां पे और हर रोज हम ये वहां पे क्रूड गैजेट्स लाइक बॉयलर्स हीटर्स वहां पे पकड़ रहे हैं. और अगर हम उस हिसाब से जाके अगर हम उनको 12 से 15 घंटे की बिजली फराहम करेंगे उस हिसाब से उनको जो मीटर के हिसाब से बिल बननी चाहिए वो बननी चाहिए मोर देन 5,000 रुपीज 5,000 से ऊपर बिल बन जाएगी. सिटल वहां पे कुछ कंज्यूमर्स आए हमारे पास हमने उनको ये भी कहा है कि आप जिस जिसको मतलब लोड कम यूज कर रहा है उन पे हमें एक जस्ट एक सेल्फ असेसमेंट हम उसमें घर जाके हमारे मेरा जेई साहब या मेरा एई साहब वहां पे जाके वो लोड चेक करके और जहां पे जो कंज्यूमर लोड ज्यादा यूज नहीं कर रहा है तो उसको हम इंशाल्लाह रहमान उसको हम एज पर कंज्यूमर करेंगे. आखिर क्या मैसेज रहेगी आपको आवाम के लिए? आवाम से मैं बस ये गुजारिश करूंगा कि ये इस टाइम मतलब हमारा थोड़ा साथ दे ताकि हम हमारी पॉलिसी है कि हम लोगों को 24 घंटे पावर दें. 24 घंटे पावर देने के लिए ये बिजली का जो इस्तेमाल है ये उनको किफायतशारी से मतलब करना पड़ेगा. जितना उनका एग्रीमेंटेड लोड है उस हिसाब से बिजली जलानी पड़ेगी. लोगों से गुजारिश करूंगा कि हुकिंग ना करें और जो अपना बिजली का बकाया जात है वो टाइमली अदा करें ताकि उनके जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो हम कांटे पे मजबूर ना हो जाए. और एक चीज मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लोगों में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एग्रीमेंटेड लोड ज्यादा करेंगे बढ़ाएंगे तो हमारी बिल ज्यादा आएगी. लोगों को भरना है एज पर द कंजप्शन. जो मीटर में बिल रीडिंग आएगी उसी हिसाब से बिल भरनी है. एग्रीमेंटेड लोड इज ओनली सिर्फ इसलिए है कि लोग कितना जला सकते हैं. उसमें एक चीज है कि फॉर कमर्शियल उसमें सिर्फ मामूली सा एक डिमांड चार्ज आता है ₹60 का 1 किलोवाट का. और जो डोमेस्टिक है डोमेस्टिक में ₹8 per kilowatt 8 रुपए. इसमें एक फायदा लोगों को यह भी हो सकता है कि हम जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो केबल्स डिजाइन हो रही है जो मीटर्स लग रहे हैं वो एग्रीमेंटेड के लोड के हिसाब से लगे. और जो DTs लग रहे हैं ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं या लगे हुए हैं अगर लोग अपना लोड पहले से डिक्लेयर करेंगे तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी उसी के हिसाब से लग जाएगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.